वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। आजकल OLX में नए टाइप का स्कैम हो रहा है जो कि है QR कोड स्कैम। इसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता और जब भी वो सेल करते हैं तो ये स्कैम होता है। पहले ऐसा होता था, उसमें सिंपल बोलता था कि आपको पेमेंट पहले करना, ये कहीं टैक्स वैक्स में फंस गया, आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद तो प्रोडक्ट आपकी तरफ पहुंच जाएगा, और यहीं पे मेन स्कैम होता था और उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता था। लेकिन अभी ये नया तरीके का स्कैम है जो कि पूरा मैं अभी क्यों हो रहा है ज़्यादा और कैसे हो रहा है वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आयुषित गोपाल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ OLX QR कोड स्कैम के बारे में। तो अगर आपको जानना है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ ये कैसे स्टार्ट होता है। पहले होता ऐसा था कि आप जब उनसे प्रोडक्ट मंगाते थे, यानी आपको कुछ प्रोडक्ट पसंद आता था स्कैमर का, तो आप उसे ऑर्डर करते तो उस बीच में स्कैम होता था एडवांस पेमेंट करके। लेकिन इन्होंने एक नया तरीका ही निकाल लिया है जो कि ये QR कोड के थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, मैं इस फ़ोन को सेलिंग में लगा दिया तो उनका मैसेज आएगा कि मुझे ये फ़ोन काफ़ी पसंद है, और वो नेगोशिएशन भी नहीं करते। ऐसे नहीं कि थोड़ा कम कर दो, थोड़ा ज़्यादा कर दो, मुझे ये काफ़ी पसंद आया, मुझे इस फ़ोन को परचेस करना है, सिंपली ऐसा बोलते हैं। भी बोलते हैं लास्ट में कि मुझे ये इस डील को नहीं खोना है, इसलिए मुझे जल्दी चाहिए, आप बताओ कैसे करना है, मेरा पोस्टिंग अभी बाहर है, मैं आर्मी से हूँ, आपका आईडी प्रूफ सब भेज देते हैं जो कि बिल्कुल फेक रहता है, और मेरे पास इतना भी बैंक अकाउंट जाने का टाइम नहीं, इसलिए मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, उसको आप स्कैन करके जल्दी से पैसा ले लीजिए। और फ़ोन में भी वो काफ़ी जल्दी में रहते हैं। ऐसे सिंपल बात है यार, जो सामने से बोलेगा कि हाँ अपना आईडी प्रूफ सब भेज दिया है कन्फर्मेशन के लिए, और आर्मी से तो सिंपल बात है कोई भी ट्रस्ट करेगा, और लोग ऐसे ही कर रहे हैं और फंस जा रहे हैं। मतलब ये आर्मी का नाम लेके काफ़ी ज़्यादा स्कैम कर रहा है। और ओवरऑल बात करूँ तो ये हो कैसे रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ। मेन ये सिंपल UPI के थ्रू एक QR कोड बनाता है जो कि 10,000 25,000 जितने रुपीस का भी रहता है वो उसके ऊपर रहता है, कितने रुपए का बना रहा है, तो सिंपल वैसे करके वो क्रिएट करता है UPI के थ्रू, और उसे सिंपल जब वो भेजता है WhatsApp के थ्रू कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो स्कैन करते हैं, उसके बाद वो प्रोसीड करते हैं। मतलब मेन दिक्कत यहीं पे आता है, अगर वहाँ पे सेंड का ऑप्शन आता तो किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है वही सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके, प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है तो लोग प्रोसीड करके अपना UPI पिन डाल के पे कर दे रहे हैं, जिससे उनका पूरा जो बैंक अकाउंट है वो वाइप आउट हो जा रहा है। अगर उस UPI में सेंड का ऑप्शन आता तो डेफिनेटली वो फ्रॉड नहीं होता, लेकिन प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, दिक्कत वहीं हो रहा है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि UPI की गलती है, लेकिन गलती ये है कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इसमें मेन गलती ये भी आ रहा है कि हम इसे जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने से फ़ोन में बोल रहा है जल्दी करो, मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और भी काम है, ऐसे करके बोलते हैं। तो लोग जल्दी जल्दी करके, प्लस वो बोलते हैं कि आप, मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, आप ले लीजिए, फिर बाद में जब प्रोडक्ट आएगा तो मैं आपको बाकी पैसे दे दूंगा, सिंपल वैसे बोलता है। और अब जल्दी जल्दी पैसे के चक्कर में हम कर भी देते हैं, प्लस पूरा बैंक अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। पहला गलती तो यही कि हम सबसे पहले इसमें हम काफ़ी जल्दी जल्दी काम कर रहे, यहाँ दिक्कत आता, और दूसरा ये कि इसमें प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, सेंड का नहीं आ रहा है। ये दो कारण में स्कैम हो रहे हैं और ये स्कैम काफ़ी बढ़ रहे हैं। सो अगर आप UPI के QR कोड को किसी से भी स्कैन करोगे तो उस पर प्रोसीड का ऑप्शन आता है, सेंड का नहीं आता। और मेरे ख्याल से अगर ये स्कैम ज़्यादा बढ़ा तो शायद UPI इसको फिक्स कर दे, लेकिन मेन जो स्कैम है वो ऐसे ही हो रहा है, तो आपको इसी से बच के रहना है। ओके, तो कैसे बचना है मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी अगर आपको QR कोड भेज रहा है तो कभी स्कैन मत करिए, OLX क्विकर कोई भी साइट हो कहीं से मत करिए। अब क्या पता ये OLX क्विकर में हो रहा है तो और काफ़ी जगह भी स्टार्ट हो जाए, कोई भी कोड को स्कैन मत करिए। और ये तो एक तरीका है, और काफ़ी नए नए तरीके आते हैं। आपको कैसे बचना है कोई से भी फ्रॉड से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि वो बहुत जल्दी मान जा रहा है प्राइस को, ना नेगोशिएट कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, और या फिर ये बोल रहा है कि आगे से पेमेंट कर रहा हूँ, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको उसे अपने जगह रख के देखना है। क्या अगर आप ये फ़ोन खरीदते तो क्या आप ऐसा करते, सिंपल बात है, ये सोच के ही आप फ़ोन को खरीदा करिए या फिर बेचा करिए। ओके, तो ये सब सबसे ज़्यादा हो रहा है, प्लस OLX और क्विकर तो पूरा ऐसे ही ख़त्म होते जा रहा है पूरा, कि यार फ्रॉड है, कुछ खरीदना है ठीक नहीं, ऐसे करके पूरा बदनाम होते जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब आपको बच के तो रहना पड़ेगा QR कोड के स्कैम से। तो इस तरीके से होता है बता दिया, और आपको कोई भी QR कोड स्कैन नहीं करना है, और इस वीडियो को हो सके जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि ये और बाकी लोगों तक पहुंच सके। तो बस ये था वीडियो, अगर वीडियो को अच्छा लगा मैं इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरा नाम है आयुषित गोपाल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी वीडियोस देखो और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो।